जो भोपाल से आ रही है, एनएचएम स्टाफ नर्स के लिए होने वाली परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक होने के बाद ये परीक्षा रद्द की गई है। ग्वालियर में लीक हुआ था एनएचएम स्टाफ नर्स का पेपर। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल समेत प्रदेश भर में कई जगह परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, कई सेंटर्स पर सुबह की शिफ्ट में परीक्षा थी और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा में बैठने से पहले ये खबर सामने आई कि पेपर लीक हो चुका है। बताते चले कि पेपर लीक होने का मामला सामने आने के बाद अभ्यर्थियों ने वहां पर हंगामा कर दिया। भोपाल सेंटर पर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया, उनका सेंटर से सही जानकारी नहीं मिलने का उन्होंने आरोप लगाया। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं। एनएचएम स्टाफ नर्स की परीक्षा जो थी वो रद्द कर दी गई है। दूसरी शिफ्ट की परीक्षा होने से पहले ही पता चला कि पेपर लीक हो गया है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रिया पांडे जुड़ चुकी हैं। प्रिया, पहली पाली की परीक्षा हो चुकी थी क्या, उसके बाद ये पता चला कि पेपर लीक हो चुका था? देखिए बिल्कुल, भोपाल समेत प्रदेश भर के कई सेंटरों में पहली पाली की परीक्षा कंडक्ट करवाई जा चुकी थी। दूसरी पाली की परीक्षाएं शुरू हुई, वैसे ही ये जानकारी मिली कि पेपर लीक हो गया, जिसके बाद जो परीक्षार्थी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि उनको प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई। पहले कहा गया कि कंप्यूटर में कोई खराबी है, आप लोग थोड़ी देर सेंटर के बाहर रहकर इंतजार कीजिए। जब परीक्षार्थी वहां खड़े रहे तो उसके बाद सेंटर को जो में ताला लगा दिया गया और लास्ट तक परीक्षार्थियों को सेंटर के द्वारा कोई उचित जानकारी नहीं दी गई। जब नोटिफिकेशन जारी हुआ कि ये मेडिकल जो स्टाफ नर्सेस की परीक्षाएं होनी हैं उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि वो रद्द हो जाती है परीक्षा क्योंकि पेपर लीक हो गया, उसके बाद वहां से अभ्यर्थी जो हैं वो अपने घर को रवाना हुए। अभ्यर्थी लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि सेंटर से हम लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये जानकारी नहीं मिल पाई। आज ग्वालियर से पेपर लीक हुआ है। स्टाफ नर्सेस की परीक्षाएं जो हैं वो प्रदेश भर के में अलग अलग जगहों पर कंडक्ट करवाई गई, अलग अलग जगह सेंटर बनवाए गए और पहले पाली की परीक्षा लगभग तमाम जगहों पर हो चुकी थी। जब तक ये सूचना आई कि ग्वालियर